नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। और दोस्तों, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, दोस्तों इसका जो ओरिजिनल स्केल है गाने का वो बजा है मध्य सप्तक की चौथी काली यानी जी शार्प मेजर से, ये सागापा हुआ, यहां से ये गाना ओरिजिनली बजा है। अब इसमें सुरों को याद रखने के लिए एक छोटा सा फंडा आप अपने दिमाग में रखें कि इसमें माँ का यूज नहीं होता है। क्या है पहली बात कि माँ का हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, गा है वो दोनों का यूज होगा, यानी गा शुद्ध का भी यूज होगा और गा कोमल का भी, और दोनों का एक साथ में जो यूज है बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। तो क्या बात हुई, पहली बात कि इसमें माँ का यूज नहीं होगा, दूसरी बात रही कि दोनों गा का यूज होगा, और तीसरी बात यह है कि इसमें नी है वो कोमल लगता है, बाकी सुर है वो शुद्ध। कुल मिलाकर के क्या समझ में आया, माँ का यूज नहीं है, दोनों गा का यूज है और नी कोमल है। अब आपका स्केल जो भी हो वहां से आप इस प्रकार से सुरों का चयन कर सकते हैं। चलिए मैं इसका जो ओरिजिनल स्केल है यहां से एक बार आपको सुर दिखाता हूं। तो सा ये रहा, एक छोड़ करके रे, अब दोनों गा का यूज होगा तो गा शुद्ध और गा कोमल, माँ का यूज है नहीं तो पा, फिर उसके बाद में धा शुद्ध और नी है वो कोमल है, नी शुद्ध तो ये रहा नी कोमल, नी धा पा गा गा, नी धा पा गा गा, दोनों गा, नी धा पा गा गा रे सा, ये सुर है। अगर मैं मंद्र सप्तक में आऊं तो मंद्र सप्तक में भी तीन सुरों का यूज है, नी कोमल का यूज है ही है, ये नी हो गया नी कोमल, उसके बाद में ये धा शुद्ध और ये पा, पा दे नी सा धा सा धा सा रे गा रे सा धा रे सा सा रे गा पा गा 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 रे सा धा रे। तो इसका ओरिजिनल स्केल से मैंने सुर ढूंढ लिए, अब हम इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक मेरा जो वॉइस है यहां तक जा रहा, नी तक अपना काम बन जाता है, नी धा पा गा, दोनों गा रे सा, मंद्र सप्तक में नी कोमल धा पा, यहां तक मेरा आवाज नहीं जा रहा है आज के दिन। मैं एक दिन छोड़ करके इसका वीडियो आपको ओरिजिनल स्केल से बजा करके दे दूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगा कि यहां पर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो मैं एक सुर पीछे आ रहा हूं, एफ शार्प यानी मध्य सप्तक की तीसरी काली, तीसरी काली, यहां से मैं वही कंसेप्ट रखूंगा अपने दिमाग में कि माँ का यूज नहीं करना है, गा का दोनों का यूज करना है, नी कोमल रखना है, नी तक अपना काम बन जाता है। तो ये मेरा सा, एक छोड़ करके रे, फिर दोनों गा, ठीक है, उसके बाद में हमारा आएगा गा के बाद में ये माँ, इसका यूज नहीं करना है, तो फिर आएगा हमारा पा और फिर धा, एक छोड़ करके, और फिर नी कोमल, सारे गा दोनों गा, सारे गा पा दा नी दा पा गा 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 रे सा। मंद्र सप्तक में आऊं तो मैंने तीन सुर बताए थे, ये सा है, यहां से नी कोमल ये रहेगा, नी नी कोमल और धा पा धा सा। तो आप किसी भी स्केल से, आपको लगता है कि सी शार्प से ढूंढना है तो सारे दोनों गा, माँ को छोड़ना है पा धा नी कोमल, बस अपना काम हो जाएगा, मंद्र सप्तक में हो तो नी कोमल धा पा, ये हमारे सुर हो जाएंगे। आप जो चाहें सुरों का आपको आइडिया हो जाना चाहिए और उसके बाद में आप इसको आसानी से प्ले कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि ओरिजिनल स्केल से मैं इसको बजा करके एक दिन छोड़ के देने वाला हूं, क्योंकि आज गला उतना क्लियर नहीं है। अभी मैं इसको आपको प्ले कर रहा हूं मध्य सप्तक की तीसरी काली। तो इसमें एक फ्रेज है वो बार बार रिपीट होता है और बहुत ही प्यारा, तो ये जो फ्रेज है बार बार रिपीट होता है, कहां कहां रिपीट होता है मैं आपको बता दूंगा। इसमें एग्जैक्ट सुरों का पैटर्न क्या है बहुत आसान है, जैसा कि गा कोमल और गा शुद्ध का एक साथ यूज बहुत ही प्यारा है। देखिए इसमें क्या हुआ है,
ठीक है, ये फ्रेज बार बार रिपीट होगा और उसके बाद में हमारा शुरू होता है सॉन्ग। इसी प्रकार का लगभग मिलता जुलता अंदाज है। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना है, उसी प्रकार का अंदाज है। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, और उसके बाद में फिर अगली लाइन, ओ चाहे तेरे पीछे पड़े सा सा सारे साधा सा सा, चाहे तेरे पीछे पड़े जग छोड़ना, छोड़ना जो सेकंड लाइन है इसके जो लास्ट में ना के बाद में वही फ्रेज जो मैंने पहला बताया था वो रिपीट होता है। तो देखिए, चाहे तेरे पीछे सा सा सारे साधा पड़े जग सा गा पा जग जग छोड़ना छोड़ना गा पानी दा पा गा 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 पा गा रे सा। इस प्रकार का अंदाज चलता है हमारा अस्थाई का। पूरे पैटर्न को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे पड़े चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। सागा पा लिया, सागा पा गानी गा पा गा, चाहे तेरे पीछे पड़े जग छोड़ना आ, 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 ये हमारा अस्थाई कंप्लीट होता है। अंतरा की मैं बात करता हूं। मांगते मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे, ये एक लाइन और है और इसी लाइन को मतलब कि एक लाइन का आधा पार्ट है। सेम टू सेम अगला पैटर्न भी सेम रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन देंगे और आप देखेंगे यहां पर सा के पहले धा का यूज है, नी का यूज अभी नहीं किया है मंद्र सप्तक में, ठीक है। तो नी का यूज अगली लाइन में होना है हल्का सा। जैसा कि मैंने ये सागा पा लिया हुआ है तो शुरुआत होती है पासे, और आप इसमें देखेंगे तीन तीन सुरों के कुछ पैटर्न के जैसे मैं आपको बताऊंगा, याद रखने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो देखिए बिल्कुल आसानी से मैं आपको अंतरा समझाता हूं। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और नजारों ने मेहंदी लगाई, ये पहला अंदाज है और यही अंदाज अगेन रिपीट होता है अगली दो लाइनों में, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। और वो वेरिएशन क्या है, इधर भी नी का यूज और इधर भी नी का यूज कोमल का, ठीक है। तो ये यूज आपको समझ में आएगा, पहले आप इस लाइन को देखें, बहुत आसान है। तीन तीन सुरों का आपको पैटर्न जैसा कुछ लगेगा। मांग मेरी में पगा 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 सा, मांग मेरी में शबनम ने सागा सागा धा मोती भरे धा सारे साधा पा।
धसरे साधा पा, थोड़ा जल्दी होना है ये, है ना। हो मांग मेरी में शबनम में मोती भरे, फिर और नजारों ने वाधा सा सा, तीन सुर, और नजारों ने मेहंदी गा पदा, तीन सुर, मेहंदी रचाई गा पदा पा गा गा सा गा, गा पदा पा गा गा सा गा। तो ये पहली लाइन है और खत्म हुई इसकी शुरुआत, खत्म हुई गा से, यानी शुरुआत हुआ था पा से, खत्म हुआ गा पे। अब अगली जो लाइन है थोड़ा वेरिएशन देके नी का यूज करेंगे, इधर भी नी का यूज करेंगे, तो वो चीज की शुरुआत हो रही है गा से। ओ नाचे भी नहीं पायलिया छनकने लगी, देखिए इसमें क्या हुआ है, नाचे भी नहीं गा पानी दापा, नाचे भी नहीं पायलिया गापा गापा गासा पायलिया छनकने लगी। ये हमारा पागा पागा सा हुआ, फिर उसके बाद में सागा सागा धा होगा, छनकने लगी, जो हमारा धासा रे सा धा था, वो धासा रे, वो धासा रे नी धा, नी का यूज हो गया है सात ही जगह। देखिए आपको वेरिएशन समझ में आएगा, पहली लाइन एक बार बजाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सा का दोबारा यूज किया है, लेकिन यहाँ पर सात ही जगह नी का यूज कर दिया, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल स्लोली देखिए दोनों लाइनों को, मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे, और नजारों ने मेहंदी रचाई, नाचे भी नहीं पायलिया छन छमकने लगी बिन हवा। वही पैटर्न आ जाएगा जो हम पहले कर चुके हैं, तीन तीन सुरों का, तीन ये तीन ये, बिन हवा के ही चुनरी लहराई, और फिर चुनरी लहराई दोबारा रिपीट होता है, चुनरी लहराई, और फिर वही पैटर्न, ओ आज दिल को, आज दिल से दिल, आज दिल से है दिल को जोड़ना, ये हम कर ही चुके हैं अस्थाई वाले पार्ट में, तो बस वही चीज रिपीट हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसको तैयार करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट करके अवश्य बता दें, धन्यवाद।